subscribe to our channel and press the bell icon. Dear students, welcome to our YouTube channel, Sir Abdul Sattar Khan. You can join me on this channel and you can comment me on my email ID khanabdulsattar331@gmail.com. Let's begin. We are going for the activities of 1.3 basketful of moonlight. मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको ये तमाम एक्टिविटी समझ में आए. अब बास्केटफुल ऑफ मूनलाइट, इसमें कुल जो एक्टिविटी है इसमें हम इंग्लिश वर्कशॉप करेंगे जिसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, प्रेफिक्स है, सफिक्स है, फिगर्स ऑफ स्पीच है, कुछ पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है, एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम है और एक्टिविटीज़ है. उम्मीद है कि आपको ये एक्टिविटीज़ पसंद आएगी. सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश वर्कशॉप. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद द हेल्प ऑफ द पोएम. अब यहाँ कुछ सेंटेंसेज दिए हुए हैं, उसे आपको पोएम की मदद से कंप्लीट करना है. इससे पहले हम पोएम पढ़ चुके हैं इसीलिए इसे मैं समझा दूंगा. द चाइल्ड वांट्स टू शो स्मॉल मून्स ऑफ लाइट फ्रॉम, यानी बच्चा चांद के बीज बोना चाहता है जो रोशनी दे कहाँ से कहाँ तक. इसका जवाब आप अगले क्लिप में देखेंगे. अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड द रूट ऑफ हिज विलेज इज टफ एंड फुल ऑफ, यानी बच्चे के मुताबिक जो रास्ता है गांव से शहर जाने वाला वो बहुत ज़्यादा सख्त है एंड फुल ऑफ, और वो भरा हुआ है. कैसे भरा हुआ है ये भी आपको बताना है. द चाइल्ड वांट्स अ बास्केट फुल ऑफ मून लाइट ऑन डैश, यानी चाइल्ड यानी बच्चे को बास्केट फुल ऑफ मून लाइट कैसे चाहिए. द चाइल्ड वांट्स टू लाइट द डार्क रूट सो डैट हिज डैश, यानी बच्चा उस अंधेरे रास्ते को उजाला करना चाहता है, अंधेरे को उजाले में बदलना चाहता है, अंधेरे रास्ते को रोशन करना चाहता है, किस लिए. चलिए देखते हैं. पहले का आंसर है कि जो रास्ता बनाना चाहता है फ्रॉम द सिटी टू हिज विलेज ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ. उसके बाद दूसरा है फुल ऑफ स्नैक्स एंड स्कॉर्पियंस. तीसरा है मूनलाइट ऑन लोन. और चौथा है सो डैट हिज फादर रिटर्न्स अर्ली, ताकि उसके वालिद जल्दी वापस आ जाए. चलिए देखते हैं नेक्स्ट. अब यहाँ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स की एक्टिविटी है. राइट डाउन द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज्ड फॉर द फॉलोइंग नाउन्स. मून, रूट, विलेज, मॉर्निंग. अब देखिए जैसे कि यहाँ पर एक वर्ड दिया है मून, तो मून के साथ में स्मॉल मून, बिग मून, ब्राइट मून, रेड मून, इस तरीके से ये डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं, यानी जो खसूसियत ज़ाहिर करे किसी लफ्ज़ को डिस्क्राइब करे उसे कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड. रूट, रूट कैसा है, डार्क रूट है. विलेज, होल विलेज, माय विलेज, स्मॉल विलेज, बिग विलेज, हाँ इस तरीके से आप इसके डिस्क्राइबिंग वर्ड बनाएंगे. लेकिन यहाँ पोएम में जो दिए है वही लिखना है. उसके बाद है मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, ये इसका आंसर होता है. नेक्स्ट देखेंगे. चाइल्ड वांट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज. बच्चा गांव के प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है, कैसे सॉल्व करेगा वो. गिव मी मूनलाइट बास्केटफुल और टू बास्केटफुल विद सीड्स ऑफ मूनलाइट. आई वांट टू लाइट द डार्क रूट सो डैट माय फादर रिटर्न्स अर्ली. अब ये कैसे सॉल्व करेगा, यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, इसका आपने आंसर लिखना है. He can seek help of local people and the urge a government or local bodies to provide lights on the road from the city to his village. अभी आपको अपने ख़ुद से लिखना है कि वो local bodies की help लेगा, government से मदद लेगा और रोशन करेगा रास्ते को जो शहर से गांव तक है. With the help of local people, government bodies, he can build road to the village from the city. It is beneficial for both villagers and the child. अब वो क्या करेगा, उस रास्ते को रोशन करेगा जिससे लोकल बॉडी की और वहाँ के लोकल पीपल की मदद से, गवर्नमेंट की बॉडीज़ की मदद से, और उससे दोनों को फ़ायदा होगा, गांव वालों को भी और बच्चे को भी. नेक्स्ट आइडेंटिफाई द लाइन. अब यहाँ पर एक लाइन दी हुई है, उसका आंसर आपको एक्चुअल लाइन लिखना है पोएम में से. फादर रीचेस होम लेट आफ्टर डार्क. वालिद यानी फादर जो है वो लेट घर आते हैं अंधेरा होने के बाद, तो वो लेट आते हैं तो उसके लिए कौन सी लाइन है. व्हेन माय फादर रिटर्न्स होम आई एम एस्लीप, ये लाइन लिखेंगे. दूसरा है ईगर टू हियर फेरी टेल्स फ्रॉम हिज फादर. आई टू वांट टू हियर फेरी टेल्स एंड स्टोरीज फ्रॉम हिम. थर्ड है रिमूव डार्कनेस एंड ब्रिंग लाइट अमंग द डार्कर पाथ्स.
अब यहाँ पर क्या है, आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट सो डैट माई फादर रिटर्न्स अर्ली. नेक्स्ट प्रेफिक्स एंड सफिक्स है. अब यहाँ पर कुछ प्रेफिक्स या सफिक्स लगाकर आपने कुछ एफ यू एल फुल लगाकर आपने वर्ड्स बनाना है. जैसा पहला दिया हुआ है बास्केटफुल और तीसरा दिया है बकेटफुल, तो हम क्या बनाएंगे, जैसे बास्केटफुल, बकेटफुल, हैंडफुल, कलरफुल, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, बैगफुल, सैकफुल, पॉटफुल, इस तरीके से बनाए हैं. एक्चुअली बास्केटफुल और बकेटफुल के जैसे ही बनाए हैं, यानी किसी वस्तु के अंदर किसी चीज़ में कोई चीज़ रखने वाले, जैसे कि बास्केटफुल बास्केट में रखा, बकेटफुल बकेट में रखा, हैंडफुल हाथ में रखा, कलरफुल यानी रंग में रखा, ब्यूटीफुल ये तो खूबसूरती के लिए है, वंडरफुल अजूबे के लिए है, बैगफुल यानी भरा हुआ बैग, सैकफुल यानी थैला भरा हुआ थैला, पॉटफुल यानी जो पॉट है बर्तन है भरा हुआ बर्तन. अब फिगर्स ऑफ स्पीच की एक्टिविटी देखेंगे, एलिट्रेशन है. एलिट्रेशन इसी जब हम फिगर्स ऑफ स्पीच में पढ़ाऊँगा, अब इसका लिए वीडियो बनाऊँगा तो मैं समझाऊँगा एलिट्रेशन क्या रहता है. यहाँ पर एक आपको इसमें ब्रीफ में बता देता हूँ कि इसमें दो वर्ड का सेम दो वर्ड का साउंड आता है. जैसे कि आई वॉन्ट टू सो सीड्स ऑफ मून ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ, तो सो सीड्स एस एस का आवाज़ आ रहा है, इसीलिए एलिट्रेशन है. ओ मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मून लाइट ऑन लोन, आई वॉन्ट टू सो सीड्स ऑफ मून ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ, ये भी एलिट्रेशन की एक्टिविटी है. आपको समझ में आ गई होगी. तो देखते हैं कि नेक्स्ट वाली एक्टिविटी कौन सी है. फिगर्स ऑफ स्पीच रिपीटेशन की एक्टिविटी है. यहाँ पर रिपीट होते हैं, यानी या तो वर्ड्स रिपीट होंगे या पूरा स्टैंजा रिपीट होगा. आई वॉन्ट टू सो मैनी स्मॉल स्मॉल मूनस ऑफ लाइट. अब यहाँ पर क्या है, स्मॉल स्मॉल मून दो वर्ड इस्तेमाल रिपीट हुए हैं, इस वास्ते ये रिपीटेशन की एक्टिविटी है. अब पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स क्या इस्तेमाल करेंगे, पैक के लिए बैक, डीड्स के लिए सीड्स, इस तरीके से यूज़ करेंगे. नेक्स्ट एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम. द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, यानी पोएम का जो टाइटल है उसका नाम है वो बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट है. अब देखिए पहले जो पोएम थी उसमें 10 पॉइंट्स थे, यानी पिछले सिलेबस में, अब आपको 5 ही पॉइंट लिखना है क्योंकि पहले 10 मार्क्स के लिए आती थी, अभी 5 मार्क्स के लिए आती है. उसका पोएट का नाम क्या है, द पोएट ऑफ द पोएम इज़ सुनील शर्मा. सुनील शर्मा ने इस पोएम को लिखा है. थीम सेंट्रल आइडिया क्या है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज द लोनलीनेस ऑफ अ चाइल्ड इन अ रिमोट विलेज अनटच्ड बाय मॉडर्न एमिनिटीज. द चाइल्ड इज टू फार फ्रॉम द मॉडर्न अर्बन लाइफ दैट इवन इज रिमेडी फॉर द प्लाइट ऑफ हिज विलेजर्स सीम्स क्वाइट इनोसेंट एंड प्लेन. यानी जो सेंट्रल आइडिया है वो ये क्या बोलता है कि बच्चा अकेला है, गाँव में दूर रहता है और उसे मॉडर्न जो सहूलियात मिली है, एमिनिटीज मिली है, वो उससे अनछुआ है, अनटच्ड है. द चाइल्ड इज़ टू फार फ्राम द मॉडर्न अर्बन लाइफ, और वो इस जदीद अर्बन लाइफ से भी बहुत दूर है. इवन इज रिमेडी फॉर द प्लाइट ऑफ इस विलेजर सीम्स क्वाइट इनोसेंट एंड प्लेन. वो अपने गांव वालों के लिए भी जो हल निकालना चाहता है वो उसमें भी एक किस्म की मासूमियत है. अब देखेंगे राइम स्कीम. देर इज़ नो राइम स्कीम इन दिस पोएम. दिस इज़ अ पोएम ऑफ रिवर्स. फिगर्स ऑफ स्पीच जैसे हमने पहले देखा, रिपीटेशन, एलिट्रेशन, अपोस्ट्रॉफ. तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये ख़त्म हो गया. नेक्स्ट